नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बजट स्पेशल वीडियो है ये, जहां पे मैं आप सभी के साथ कवर करने वाला हूं एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कल रात वाली वीडियो में मैंने कवर किया था, केवल हाईलाइट किया था टॉपिक का नाम, और आप लोगों ने सबसे ज्यादा इसी को प्रेफर किया कि भैया इसके बारे में डिटेल में समझने का मन है। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जरा 4 महीने पीछे चलते हैं, ठीक है जी। 1 फरवरी 2023 और गवर्नमेंट की तरफ से बजट जो है अनाउंस हुआ, जिसे हम लोग इलेक्शन वाले ईयर में इंटर्म बजट कहते हैं। अदरवाइज हर साल अपना बजट जो है ना वो 1 फरवरी को ही आता है। अब जो फाइनल बजट है, क्योंकि गवर्नमेंट पूरी तरीके से पता चल चुकी है हमें किसकी है किसकी नहीं है, अब वो सरकार फाइनल बजट पेश करेगी और वो बजट आएगा परसों, यानी 23 जुलाई 2024। डेट मैं इसलिए बता रहा हूँ, बहुत से लोग आज देखेंगे, कुछ लोग कल भी देखेंगे, तो परसों का मतलब फिर वो वेंसडे ना ले जाए, इसलिए डेट बताना जरूरी है। अब बजट में ना 1 फरवरी को वापस से पीछे चलते हैं थोड़ा सा। गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट करी थी ना बजट में, इंटर्म बजट जो था, उसमें लगभग 22 से 23 बड़ी अनाउंसमेंट थी जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस करी हुई है तभी, जिसमें से एक अनाउंसमेंट थी दोस्तों कि सी फूड एक्सपोर्ट को सरकार डबल करने जा रही है, ठीक है जी। सी फूड एक्सपोर्ट, अब ये सी फूड एक्सपोर्ट नाम से ही सबको वैसे तो समझ में आ गया, जिसे समझ में नहीं आया मैं बताना चाहूंगा कि सरकार का नेट लेवल पे जो टारगेट है सी फूड को लेकर, वो 1,00,000 करोड़ का करना चाहती है गवर्नमेंट सी फूड एक्सपोर्ट्स को। एक्सपोर्ट यानी कि बाहर विदेशों में बेचना चाहती है। देखो अपने देश में तो इन सब चीजों का बहुत कम खान पान है और बहुत अच्छी बात भी है, पता नहीं कीड़े मकोड़े क्या क्या खाते रहते हैं लोग, लेकिन विदेशों में बहुत ज्यादा है दोस्तों। स्पेशली आप देखो चाइना जैसी कंट्री में तो पता नहीं क्या क्या खाते हैं, समझ रहे हो बात को। मतलब ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी के 2 पैर से ज्यादा है ना किसी के, वो सब खाते हैं लकड़ी को छोड़कर, तो सभी खा लेते हैं वो। तो हम लोगों के पास भैया नदी और नहर न जाने कितने सारे, तो पानी के अंदर रहने वाले जो कीड़े मकोड़े होते हैं उन्हें वो सी फूड कहते हैं, यानी कि उन्हें वो फूड कहते हैं। अब वो हमारे देश में बहुत भारी मात्रा में है, तो सरकार कह रही है कि हम इन्हें बाहर विदेश भेजेंगे और इनका टारगेट डबल कर रहे हैं। करंटली अगर आप देखोगे भारत में सी फूड एक्सपोर्ट जो है ना वो करीब करीब 60,000 करोड़ का है, और सरकार इसे डबल करना चाहती है। 1,00,000 करोड़ का टारगेट दिया था, अगर आप नेट नेट जाओगे तो 1,20,000 करोड़ हो जाएगा, लेकिन 1,00,000 करोड़ का टारगेट दिया था, तो मैं वही बोलूंगा। मैं बताता हूं एग्जैक्टली फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी की क्या वर्डिंग थी 1 फरवरी को सी फूड को लेकर, एज इट इज मैंने लिखा हुआ है, वो क्लिप तो मैं आपके साथ ऐड नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने बोला था एम्स टू डबल सी फूड एक्सपोर्ट टू ₹1,00,000 करोड़, ठीक है जी। तो उनका टारगेट है सी फूड एक्सपोर्ट को डबल करना, 1,00,000 करोड़ पे पहुंचाना। अभी हमारा, मैंने जब नेट पे सर्च वर्च करा उसी समय, तो 55 से 60 हज़ार करोड़ का सी फूड एक्सपोर्ट है हमारा। अब ये सी फूड एक्सपोर्ट करने वाली कौन कौन सी कंपनी है वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि परसों है बजट और इस वाली लाइन पे दोबारा से अनाउंसमेंट आ सकती है, और आती है देन डेफिनेटली ये स्टॉक वापस से फोकस में आ सकते हैं। मैंने उस समय भी इन स्टॉक्स को सर्च करा, देखा मैंने कि भैया डबल की बात चल रही है, पैसा डबल हो जाए तो इससे ज्यादा क्या चाहिए, पर मेरे को ना उतना मजा आया नहीं था। अभी मैं आपको वापस से बताता हूं, ये ऐसे स्टॉक है जो ऐसे जाते हैं और ऐसे गिर जाते हैं। पहले स्टॉक का नाम है सी फूड से रिलेटेड, वो है आपका एपेक्स फ्रोजन फूड्स। 238 की क्लोजिंग आई है, 3% बढ़कर, फ्राइडे जैसे बाजार में भी ये 3% ऊपर बंद हुआ है। Apex Frozen Food is an integrated producer and exporter of shelf stable quality aquaculture products. Aquaculture products, पानी में रहने वाली चीजों। Apex Frozen Foods Limited, one of the leading producer and exporter of processed shrimp, began its operation in 1995. The company's operation comprise hatchery, farming, pre-processing, processing and exporting of shelf stable quality एक्वाकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक श्रिम्प। तो ये एक्सपोर्ट भी करती है और उसी में काम काज है। इस कंपनी के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो रिसेंटली ₹200 पे था, ऊपर आ गया, अभी 234-238 पे बंद हुआ है, 286 का 52 वीक हाई दिख रहा है, लाइफ हाई काफी ऊपर का है, नीचे से घूमना शुरू हो रहा है। अगर कुछ अनाउंसमेंट आती है तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो बड़े मूव दे सकता है। तो एपेक्स, मैं कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं केवल आपके लिए डिटेल शेयर कर रहा हूं।
एपेक्स फ्रोजन जो, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स पे अगर कुछ दिक्कत आती है तो मैं खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाऊंगा, तो आपको सिर्फ बता रहा हूं भैया मैं। एपेक्स फ्रोजन फूड अभी रिसेंटली 280 रुपए तक के हाई लगा चुका है, ऊपर दो साल की बात करें तो 350 के पहले हाई लगे थे और ऊपर में बहुत हाई तक गया, नीचे आ चुका है 750 करोड़ का मार्केट कैप है। इसी सेगमेंट में अगर आप दूसरी कंपनी की बात करें तो दोस्तों स्टॉक का नाम है जील एक्वा। जील एक्वा की बात करें तो ये भी यही कामकाज करती है कंपनी, 12 रुपए का शेयर है, 6% गिरकर बंद हुआ है, 150 करोड़ का मार्केट कैप है, छोटी कंपनी है तो इसको तो आप अवॉइड ही करते हैं तो ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट इसी कारोबार में कंपनी है किंग्स इंफ्रा, ये ठीक ठाक है, 170 रुपए का मार्केट शेयर है, 418 करोड़ का मार्केट कैप है। मार्केट कैप इससे रिलेटेड सारी कंपनियों का छोटा ही है, सबसे बड़ा एपेक्स फ्रोजन का ही है जो मैं देख पा रहा हूँ 750 करोड़ का है, बाकी किंग्स इंफ्रा का 418 करोड़ है, कोस्टल कॉर्पोरेशन है एक कंपनी जिसका 360 करोड़ है। तो अगर आप कोई भी स्टॉक इस सेगमेंट यानी सी फूड से रिलेटेड पसंद करते हो तो पहली और टॉपिक एपेक्स फ्रोजन ही होनी चाहिए, अदरवाइज सारे स्टॉक मेरे को लगता है आपके लिए रिस्की ज्यादा हो सकते हैं। एपेक्स फ्रोजन में एक एडिशनल प्लस पॉइंट यह है कि भैया प्रमोटर्स भी अच्छा होल्ड करते हैं, 72.62% समथिंग, बाकी अगर बजट में कुछ चीजें आती हैं तो हम आपके साथ डेफिनेटली दोबारा से रिपीट करेंगे और फिर स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग की सलाह भी कहीं बनेगी तो जरूर देंगे। लेकिन ये सी फूड से रिलेटेड स्टॉक्स थे, सारी डिटेल्स थी जो मैंने आपके साथ कवर करी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।